ताकत देने वाला पवित्र आत्मा है। वो आपको ताकत देगा, वो आपको शक्ति देगा, वो आपको सामर्थ्य देगा उसके साथ चलने के लिए, पवित्र आत्मा के क्लोज रिलेशन के लिए पवित्र आत्मा आपको ताकत देगा। सुपरनैचुरल मिराकल्स आपके लाइफ पे, सुपरनैचुरल मिराकल का समय है मेरे प्यारे भाइयों। लॉर्ड, इस दुनिया में सबसे वंडरफुल प्लेस है परमेश्वर की कलीसिया। हालेलुया, सबसे ब्यूटीफुल परमेश्वर के लिए सबसे मौल्यवान अनमोल है परमेश्वर की कलीसिया। और उस कलीसिया कोई मंदिर नहीं, कोई चर्च की बिल्डिंग नहीं, हम और तुम परमेश्वर की नजर में बहुत अनमोल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने कहा है कि सोना चांदी से नहीं, अपने लहू से हमें उसने खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट यू आर प्रेशियस फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर की दृष्टि में कितने अनमोल है हम। बोलो, मैं अनमोल हूं। और यीशु की नजर में, परमेश्वर की नजर में उससे लहू से भी कीमती आप है। हालेलुया, इसलिए सोना से नहीं, चांदी से नहीं, अनमोल लहू से कलीसिया को परमेश्वर ने, हालेलुया, ओ खरीद लिया है। और उसकी उसके द्वारा वो दुनिया को दिखाएगा कि परमेश्वर जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर लोगों को दिखाएगा कि ये जो है कलीसिया है, यही स्वर्ग का द्वार है। इसके द्वारा, हालेलुया, हमारा लाइफ, हमारा जीवन, सब कुछ उसमें। प्रेज द लॉर्ड, सबसे अनमोल परमेश्वर का वचन कहता है कि सुलेमान से भी श्रेष्ठ है परमेश्वर, योना से भी श्रेष्ठ है। सुलेमान ने बहुत बड़ा मंदिर बांधा, एकदम अच्छा दिखने वाला, एकदम अच्छे पत्थर से, ओ 46 इयर्स लगे, एक टेम्पल, एक मंदिर उसने बांधा। लेकिन हालेलुया, हमारे बाइबल में लिखा है कि आफ्टर डाइड सलोमन, पीपल वेट फॉर रिलीफ। उन्हें सुख नहीं था, वो बोल रहे थे टैक्स कम करो, ये करो, हम मर जाएंगे। लेकिन हालेलुया, हमारा यीशु मसीह मर गया, हालेलुया, और वो वापस जिंदा हो गया। प्रेज द लॉर्ड, और बहुत सारे टेम्पल उसने खड़ा कर। प्रेज द लॉर्ड, आप वो टेम्पल हो। उसने एक मंदिर बांधा, वो बोला वाह सुलेमान, यीशु बोला सुलेमान से भी, हालेलुया, वो श्रेष्ठ है। उसने एक मंदिर बांधा, वो भी गिरा दिया, लेकिन हमारा जो जीवन जिंदा मंदिर ये है, वो परमेश्वर हम में रहता है, और वो उस मंदिर से भी मौल्यवान अनमोल। प्रेज द लॉर्ड, बहुत मंदिर परमेश्वर ने बांध दिए है और भी बांध रहा है, खड़ा कर रहा है इस पृथ्वी पर। ओ व्हाट अ वंडरफुल एंड व्हाट अ मार्वेलस जीसस भी है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर महान परमेश्वर है और वो आपके लाइफ में कार्य करना चाहते हैं। आप बोलेंगे मैं तो सबसे साधारण हूं प्रभु, लेकिन एलिया भी एक साधारण व्यक्ति था। याकूब में लिखा है 5:17 की, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, साधारण मनुष्य। बोलो साधारण मनुष्य। इंग्लिश में लिखा है कि फैशन
हमारे जैसा पैशन उसमें था, हालेलुया, सफरिंग लाइफ विद अनदर ऑफ लाइफ फीलिंग, हमारे जैसा ही फीलिंग था उसमें, इमोशन था, भावनाएं थी, लेकिन हालेलुया जब पवित्र आत्मा से वो परिपूर्ण हुआ, हालेलुया, ओ सब कुछ चेंज कर दिया उसने, राष्ट्र को हिला दिया, राजाओं को हिला दिया, ओ हालेलुया हिस्ट्री को हिला दिया, प्रेज द लॉर्ड, ओ सब हम भी साधारण दिखते हैं, लेकिन जब होली स्पिरिट हम पर कंट्रोल करता है, हालेलुया, यू विल बी हिस्ट्री मेकर, हालेलुया, आप एक बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं, आप एक बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में एक हिस्ट्री बनाने वाले आप हो सकते हैं, हालेलुया, जब इस साधारण बॉडी में, इस साधारण देह में पवित्र आत्मा का, हालेलुया, कंट्रोल, हालेलुया, आप पवित्र आत्मा के हाथों में देंगे, ओ हालेलुया, हर एक चीजें चेंज हो जाए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हमारे जैसे था, बोलो हमारे जैसे ही था, हमारे जैसे ही था, यानी हमको भी गुस्सा आता था, उसको भी गुस्सा, हम भी डर जाते थे, वो भी बोल डरता था, इसलिए वो पेड़ के नीचे, जाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, डर गया, लेकिन परमेश्वर ने ओ हालेलुया इतना उसको ऊंचा उठाया, हालेलुया, इतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया कि मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, ओ जब यीशु का रूपांतर हुआ, हालेलुया, उसको ट्रांस और पर्वत पर उसका चेहरा बदल गया, हालेलुया, मूसा के साथ एलिया नीचे आ गया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, I don't know what he talking, मुझे मालूम नहीं कि क्या बात की, लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर ने एलिया को, यीशु को मिलने के लिए भेजा, प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ प्रिविलेज, हालेलुया, हमारे जैसा था, बोलो हमारे जैसा था, लेकिन किसको मिलने गया, यीशु को दर्शन दिए, बातें कर रहा था, I don't know what he comforting, या उसको ताकत दे रहा था बोलने के द्वारा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ तभी परमेश्वर का मैसेज, हालेलुया, डायरेक्ट परमेश्वर ने नहीं बोला, मूसा को और एलिया को भेज दिया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, व्हाट अ रिस्पेक्ट, यीशु मसीह जो उद्धार करता है उसको संदेश देने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का संदेश देने के लिए एलिया को परमेश्वर भेजता है, हालेलुया, बोलो हमारे जैसा ही था, हम बोलते प्रभु आप तो ऐसे ही मर जाएंगे पास्टर, हम कुछ नहीं कर सकते पास्टर, हम क्या काम के नहीं, निकम्मे हैं हम, नहीं, जब आपका कंट्रोल होली स्पिरिट के अंदर आ जाएगा, हालेलुया, आप निकम्मे नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए बहुमोल धरेंगे, हालेलुया, वो आपको छोड़ेगा नहीं मेरे पास, जब आप भागेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं प्रभु, वो पेड़ के नीचे मर गया और प्रेयर करने लगा, क्या प्रेयर की उसने, प्रभु मुझे मार दे, बोलो प्रार्थना, क्या की प्रार्थना, मुझे मार दे प्रभु, उससे पहले लोगों को बाल के नबियों को मार दिया, 400-450 लोगों को, हालेलुया, दुष्ट आत्मा से भरे हुए लोगों को मार दिया, इज़राइल के लोगों को, उनके मनों को फिराया परमेश्वर की ओर, चेंज देयर माइंड, चेंज देयर थॉट्स, विक्ट्री, बहुत बड़ा पावरफुल विक्ट्री, लेकिन वापस उसके इमोशन नीचे गए, डर गया और प्रेयर करने लगा, पहला बोला प्रभु आग ला और प्रेयर की, ओ हालेलुया, स्वर्ग से आग नीचे आई और बहुत बड़ा विक्ट्री उसने पा, हालेलुया, और उसके बाद अचानक क्या हुआ, ओ इस्माएल की धमकी से डर गया और वो पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर प्रेयर करने लगा, प्रभु आप मुझे मार दे, मर जाना चाहता हूँ,
क्या आप में कोई ऐसे है जो प्रेम कर रहे हैं? मार दे परमेश्वर। आप में देखने वाले में कोई रहेगा, आप प्रेयर करेंगे, प्रभु मैं नहीं जीना चाहता हूँ, मार दे, नहीं, परमेश्वर की नजर में आप बहुत अनमोल, हालेलुया, आपके द्वारा और बहुत बड़ा कार्य परमेश्वर करना चाहता है, आपके द्वारा बहुत दुनिया को हिलाना चाहता है परमेश्वर, वो आपको मारेगा नहीं, हालेलुया, आपको और प्यार से सहलाएगा वो। अरे एंजल, अरे गैब्रियल, अभी बहुत मैसेज भेजे, अभी जरा रोटी को भेज दे मेरे बच्चे के लिए। बोल रहे प्रभु इसने क्या कारनामा किया है, उसको मैं रोटी बनाकर भेज दू, पानी लेके जाऊ, कारनामा कुछ नहीं किया है, डर गया है उसको, अभी मैं उस लाड़ प्यार से उसे सीधा करने वाला हूँ। कभी कभी हम भी अयोग्य रहते हैं, हम योग्य में ही पात्र नहीं रहते कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग दे दे, परमेश्वर हमें गाड़ी दे दे, परमेश्वर हमें बंगला दे दे, परमेश्वर हमें अल्लाह बहुत बड़े बड़े चीजें देंगे, देने की हम लायक नहीं रहते, पात्र नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर बोलते अरे मुझे उसे सहलाना है, इज प्रेशियस फॉर मी, इज अ स्पेशल वेसल फॉर मी। हालेलुया, आप परमेश्वर के लिए स्पेशल वेसल हो मेरे का, आप परमेश्वर के लिए एक बहुत अनमोल पात्र हो, वो आपको छोड़ेगा, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। हालेलुया, सोचो तो मैं तो अरे एलिय्याह ने प्रेयर किया है, जब तलवार लेके मार दे उसको, नहीं बोला भी कि कौवे ने रोटी भेजी, अभी कौवा का काम तू करना है बाबा एलिय्याह, सॉरी स्वर्गदूत, अब मैं कौवों को नहीं भेजूंगा, कौवे के द्वारा उसने रोटी खाई, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी धन्यवाद देकर खाई, हालेलुया, और ए उसके बाद उसको रोटी मैंने एक विधवा के घर में, साधारण गरीब विधवा के घर में उसको रोटी खिलाई, फिर भी उसने धन्यवाद दिया, प्रेज द लॉर्ड, जो मैंने कहा उसने किया है, मेरे लिए बहुत जोखिम उसने लिया है, उसको बोला कि उधर छिप जा, बोला यस लॉर्ड, अब बोला उसके अल्लाह उस सरपत नगर में जाना है, इस विधवा के घर में प्रबंध किया है, तैयार हो गया, और वो कहां पर था, सीदोन में आई थिंक मे बी, वहां पर जहां पर इज़बेल का घर नजदीक था, अल्लाह जेंटाइल के नगर में, परराष्ट्रियों अन्य जातियों के और देश में एंट्री उसने किया, व्हाट अ टेरिफिक पावर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कोई पहचानता नहीं था उसको, सिर्फ परमेश्वर, उसको एक ही आनंद था कि मैं उसके सामने खड़ा रहता हूँ, उसके हुजूर में बैठता हूँ, हालेलुया, लेकिन जब आप उसके हुजूर में बैठते हैं, उसके सामने बैठते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लान लिख रहा है, प्रेज द लॉर्ड, जब परमेश्वर के हुजूर में बैठ रहे हैं, परमेश्वर के मुख्य सन्मुख हो रहे हैं, अल्लाह परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े प्लान लिख रहा है, प्रेज द लॉर्ड, फ्यूचर लिख रहा है, डायनेमिक गलिया आप हो, प्रेज द लॉर्ड, हिस्ट्री मेकर आप हो, आपके द्वारा इजराइल राष्ट्र को हिलाएगा, आपके द्वारा इंडिया को हिलाएगा परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, उसके सामने बैठना ही उसका आनंद था, मैंने परमेश्वर को बोला ओ व्हाट अ प्रभु, क्या उसको कुछ भी नहीं था, दुनिया की नजर में देखेंगे अरे बाप रे वो तो साधारण है, आहाब के पास बहुत रथ थे, घोड़ा था, रथों के साथ चलता था, ये चलता चलता वॉकिंग वॉकिंग मिनिस्ट्री, साइकिल भी नहीं उस टाइम, हालेलुया, मैंने भी साइकिलिंग मिनिस्ट्री की है, बहुत इतना ज्यादा था, पसीने पसीना हो जाता था, उसके बाद वापस प्रेजर वर्शिप, फिर और भी पसीना पसीना और मुंह पर ऑयल तो टपक ही रहा था, और भी अभी भी टपकता है ऑयल, बोलो सिर पर तेल मला है अभिषेक मुझे। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के लिए नए नए रहते हैं, बहुत हम उत्सुक रहते हैं, ये लिए अभी बहुत उत्सुक हो गया, अरे बाप उधर जाना है सारपत में, यस लो, फेमस नहीं था, कुछ भी नहीं था,
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमें फेमस करने से पहले करिंत में लेके जाता है, और करिंत का मतलब है कटिंग। बोलो कटिंग। कटिंग यानी छाटना, काटना। बोलो छाटना। लोगों ने प्रभु मुझे भी ये लिया कैसे बताओ। आपने अभी बोला पास्टर जी हमारे जैसा ही इमोशनल था, भावनी भावनाओं से भरा हुआ था, दुख सुख वह डर जाता था ये सब। उसको इतना बड़ा आग लाया स्वर्ग से, ओ कितना बहुत बड़े चमत्कार किए, मरे हुओं को जिंदा किया। प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर दे, ओ उसके जैसा, इस पास्टर के जैसा, इस बेनियन जैसा मुझे भी खड़ा कर दे प्रभु। परमेश्वर ने ऐसा ही उसको खड़ा नहीं किया। 3-4 साल की ट्रेनिंग हो गए पहले, उसके बाद कर्मेल पर्वत पर हालेलुया डेमोंस्ट्रेशन ऑफ होली घोस्ट। हालेलुया बहुत फेमस, इजराइल में फेमस होने हो गया। बहुत बड़ी आग लाई, सब इजराइल के सामने खड़ा हो गया। सब लोगों को पता चला ये लिए है क्या ना, ये तो बहुत डेंजर पावरफुल है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उससे पहले उसने बोला अरे अभी अकाल गिर गया है, करीब नामक नाले के पास जाना है, वहां पर प्रबंध किया। करीब यानी कटिंग। बोलो कटिंग। परमेश्वर हमें छाटता है। बोलो छाटता है। इसके द्वारा घर पे बैठने वाले लोग हैं उनसे द्वारा छाटता है, पति को पत्नी के द्वारा छाटता है, पत्नी को पति के द्वारा छाटता है। प्रेज द लॉर्ड। और दोनों को बच्चे के द्वारा छाटे। तुम दोनों एक दूसरे के द्वारा छाटेंगे नहीं तो बोलते हैं प्रभु अभी बच्चे को पे शेख रहे हैं। ये ऐसा बच्चे करने लगता है कि आप दोनों पे बोलते हैं प्रभु छाटते हैं। हालेलुया। हमारा सब प्राइड, घमेंड, घमंड जो है निकल जाता है। शादी करना, मैं तो बोलता हूँ कि जो शादी करने की इच्छा है उनको पहला प्रेयर करना है प्रभु अभी मैं क्रूस पर जाने वाला हूँ, हाथों पैरों में खिले, हाथों तैयार, पैर तैयार हो। ऐसा पौलुस ने भी लिखा है, बाइबल पढ़ो। जो शादी नहीं करता वो अच्छा करता है, वो तो जब शादी करेंगे तो 100% बाइबल मेरे पौन हो तो कि त्रास करना, दुख त्रास होना 101%। हालेलुया। बोलो छाटता है प्रभु घर में, ओ इसके द्वारा उसके द्वारा हालेलुया छाटना शुरू हो जाता है। फिर भी आप डरो नहीं, जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है हालेलुया उसकी ओर देखो, वो गिफ्ट हमें बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक को गिफ्ट दिया। बोलो हर एक को गिफ्ट दिया है। जब हम नया जन्म पाते हैं हालेलुया हर एक के पास एक गिफ्ट है परमेश्वर, उस गिफ्ट को मत भूलो मेरे प्यारे भाई। हालेलुया वो पावरफुल गिफ्ट आपको बहुत हालेलुया हर एक मुसीबत में उठाने के लिए परमेश्वर ने वो गिफ्ट दिया है। हालेलुया हालेलुया। ओ यूसुफ को एक गिफ्ट दिया था, विजन। विजन का अर्थ बताना, पवित्र आत्मा ने वो गिफ्ट दिया था उसको। हालेलुया वो गिफ्ट से हालेलुया मेरे प्यारे वो गिफ्ट को उसने छोड़ा नहीं। उसको मालूम था ये गिफ्ट मुझे एक दिन बहुत ऊंचाई पर लेके जाए। हालेलुया आपको भी परमेश्वर ने एक गिफ्ट दिया है, प्रेयर का गिफ्ट दिया है, स्तुति करने का गिफ्ट दिया है, हालेलुया सुसमाचार बताने का गिफ्ट दिया है, हालेलुया वचन को बताने का गिफ्ट दिया है, हालेलुया प्रोफेसी करना गिफ्ट दिया है, भविष्य बताना गिफ्ट दिया है। ओ बहुत बहुत गिफ्ट से बाइबल में परमेश्वर ने आपको एक गिफ्ट दिया। बाइबल ने लिखा कि पवित्र आत्मा के वरदानों के धुन में रहो। बोलो धुन में रहो। किसके वरदान? बोलो वरदान। तो इसके धुन में मेरा घर कब बनेगा, मेरा गाड़ी कब आएगा, मेरा कार कब आएगा पास्टर जी, मैं फॉरेन में कब जाऊंगी। लेकिन जब हम उस वरदानों के हालेलुया धुन में रहते हैं, उनको विश्वासु रहते हैं, हालेलुया वो वरदान आपको फॉरेन में भी लेके जाएगा, वो वरदान आपको गाड़ी भी लेकर देगा, प्रमोशन भी वो कर देगा। हालेलुया हालेलुया। एलिया ने दूसरी ओर नहीं देखा, उसको मालूम था मुझे एक बहुत पावरफुल परमेश्वर ने हालेलुया वरदान दिया। ओ मेरा प्रेयर
प्रेयर वॉरियर था वो। हालेलुया, उसको मालूम था ये प्रेयर का आत्मा हो वही मेरे लिए काफी। जब वो बोला जाओ आहा बहुत भारी वर्षा की सनसनाहट सुना रही, मुझे सुनने आ रही है। कुछ नीचे जा, बाइबल में लिखा कि वो खाने को गया और ये ऊपर प्रेयर करने को गया। उसे खाने में आना था लेकिन उसको मालूम था मुझे प्रेयर परमेश्वर ने जो किया है उसके संगति में मुझे बहुत आनंद। हालेलुया, जो परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसके वो उस वरदानों को पकड़ के रखो, उसे भूल मत जाओ। हालेलुया, वो वरदान आपको बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से जेल से भी छुटकारा देगा। हालेलुया, करीब तामक नाले के पास गया और कौवे आए, कौवे ने उसको खिलाया। ओ व्हाट अ वंडरफुल, फिर भी बोला प्रभु धन्यवाद, आपने खाना दिया से धन्यवाद। परमेश्वर बोला अभी इधर का ट्रेनिंग खत्म हो गया, कटिंग खत्म हो गया, अभी जाना है सारपत में। और सारपत का मीनिंग है रिफाइनरी यानी शुद्ध करने का कारखाना, वर्कशॉप। बोलो वर्कशॉप, परमेश्वर हमें वर्कशॉप में भी डालता है। बोलो वर्कशॉप में, सब लोग वर्कशॉप में जाते अपनी गाड़ी रिपेयर करने के लिए, वर्कशॉप रहता है वहां पर। सिर्फ जो मैकेनिक रहता है वो सब उसको ये करता है, ऑयल डालता है, सर्विसिंग, कुछ कुछ क्या क्या पार्ट ये ढीले हुए टाइट करता है। परमेश्वर भी हमें इस वर्कशॉप में करने के दिलाना, रिफाइनरी पिघलाना, स्मेल्टिंग प्लेस यानी पिघलना, गलाना, मेल्टिंग करता है। बोलो मेल्टिंग। लोग बोलते प्रभु कब मुझे इस्तेमाल करेगा, बहुत मैं प्रेयर करता हूं। अरे प्रभु बोलते पहला वर्षा में तुझे और भी थोड़ा ट्रेनिंग दे रहे, 3 साल का ट्रेनिंग था उसका, उस रोटी खाओ बस। सब्जी मिलता क्या नहीं था मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आटा को और तेल को परमेश्वर ने बढ़ोतरी किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उधर वहां पर 3 साल उसको रुकाया, ट्रेनिंग दिया। ओ हालेलुया, सब कुछ नम्रता से भर गए वो। हालेलुया, कभी कभी हम नम्रता से नहीं भरते, परमेश्वर प्रभु यूज करो ये करो, परमेश्वर बोलता नहीं, पहला लेसन छाटना होना है और फिर आपको पिघलना है। जब पिघलोगे तो मैं जैसा चाहूंगा उसको आपको आकार दे सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम पिघलते नहीं, मेल्टिंग नहीं होते, हालेलुया, परमेश्वर उसको जैसा हमारे उसकी इच्छा के अनुसार हमें आकार नहीं दे सकता। तेरे जैसा बना। हालेलुया, सेवा प्रार्थना, प्रभु तुझ्या सारखं मला बनव, मला येशू सारखं व्हायचंय। धाम तुझी दाढी ओढणारा माणूस पाठव, दाऊद के भाऊ भाई जैसे भेजते लोग। छाटना होता है, पिघलना होता है। ओ प्रभु क्यों आया है यहाँ पर हमें, दाऊद को बहुत चिल्लाए उसके भाई लोग। हालेलुया, आपके भी भाई लोग आपको चिल्लाएंगे, पति पत्नी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, उस पिघलने के बाद हालेलुया बहुत बड़ा विक्ट्री आपके सामने खड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलता रहेगा प्रभु अरे कब तक ये इस विधवा के घर में रहूं, कब तक ये रोटी खाऊं, अरे बाबा वही तक आ गए, अरे जाता हूं अभी मैं किधर से। नहीं, जब तक परमेश्वर का आवाज नहीं आया हालेलुया वो हिला नहीं। प्रेज द लॉर्ड, उसका एक बहुत बड़ा आनंद था, उसका आनंद हालेलुया दुनिया का खाना खजाना नहीं,
उसकी एंट्री ऐसी हो गई किसको मालूम नहीं कौन है बाबा ये। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डायरेक्ट आहाब के सामने और बोला कि अभी मेघ में बारिश नहीं होने वाली है। ये बोला कौन आया रे बाबा, राजा के सामने खड़ा हुआ, ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरे प्यारे भाइयों, उसने प्रेयर किया। हालेलुया, वो बोला नहीं प्रभु कब तक आप आटा खाऊं, बहुत घाटा होते जा रहा है प्रभु, और दिल में तो बहुत काटा है अभी, और कब तक तुम्हें छाटा है प्रभु, छट्टे छट्टे में गायब में हो जाओ प्रभु, कितना छाटोगे प्रभु। पुत्र बोलते प्रभु कितनी त्रास वाला, कितनी भी दिशा सहन कराओ, कितनी भी दिशा सहन कराओ प्रभु, हर नवरे सह भाई कुछ कब तक छाटोगे प्रभु, आप तो छाटोगे या तो ये काटेगी प्रभु। परमेश्वर हमें बना रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बहुत बड़े सेवक बनने वाले हो, आप बहुत बड़े एक एलिया जैसे खड़े होने वाले हो, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा आपके, परमेश्वर ने प्लान रखा है यार, मूसा के सामने बहुत बड़ा प्लान रखा था इज़राइल का। ओ हालेलुया, सबसे बड़ी कलीसिया, ओ 6 लाख से भी ज्यादा मेंबर थे उसके कलीसिया। परमेश्वर ने उसको 40 साल का ट्रेनिंग दिया, कितने साल का, 40 साल चरवा, इस भेड़ भेड़ को चलाओ चढ़ाओ चराओ। ओ गर्मी, और उसकी वाइफ भी काली, वो अच्छा अच्छा गोरापन काली वाइफ मिल गई उसको, और वापस ससुरे का सारे भेड़ को चरा, कितना और साल का ट्रेनिंग, बोलो 40 साल का, क्योंकि उसमें गुस्सा बहुत था, बोलो गुस्सा बहुत था। मिस्री के वो लोगों को देखा, अरे हमारे लोगों को मारता है, उसने भी घुसेर दिया उसको। कभी कभी परमेश्वर ने हमें चुनता है, लेकिन गुस्सा इतना रहता है ना कि वो इसकी देश। हालेलुया, पर परमेश्वर बता रहे हैं बहुत बड़ा प्लान करना है रे बाबा, इसके द्वारा मुझे इसराइल को छुड़ाना है, बहुत लोगों को आशीषित करना है इसके द्वारा, इसको अभी थोड़ा ट्रेनिंग देना है। फिर परमेश्वर हमें ट्रेनिंग देना शुरू हुआ 40 साल। अरे बाप रे, विल्डरनेस, हालेलुया। लेकिन सब पिघल गया, वो गर्मी से उसका चेहरा पिघल गया, सब कुछ पिघल गया, सब कुछ खत्म हो गया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोला अभी तो पिघल गया है, अभी मैं नए सिरे से तुझे बनाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, लोग साधारण मूसा नहीं देखेंगे, एक पावरफुल मूसा देखने वाले। प्रेज द लॉर्ड, जब आप पिघलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर आपको नए सिरे से नया बनाता है। साधारण नहीं दिखेंगे, पावरफुल पवित्र आत्मा से भरा हुआ आपको देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओ आदमी पत्रस भी साधारण थे, मछुए थे, मछली पकड़ने वाले, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ट्रेनिंग शुरू हो गया यीशु के साथ। उसने बोला अरे रुके रहो, जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता। पवित्र आत्मा का आ गए, पिघल गए, और नए सिरे से परमेश्वर ने उन्हें बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा की आग हमें पिघलाती है मेरे प्यारे, हालेलुया। हम एलिंग हो जाते हैं परमेश्वर की, हालेलुया, अधीन हो जाते हैं। परमेश्वर आप बोलते प्रभु जो चाहिए तू कर, जब हम कहते प्रभु जो चाहिए तू कर, हालेलुया, परमेश्वर फिर हमें बोलता है अभी ये तैयार हो गया। 3 साल हो गए परमेश्वर का उधर ही घर में, एक ही घर में, ओ कोई भी नहीं, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, और पवित्र आत्मा ऐसा चला था वो बोलते बोला अभी तू इधर है, और मुझे बोल रहे राजू को जा बता दे मैं आ रहा हूँ, अभी तू गायब हो गए तो राजा मुझे मेरा गला काट दिया जाएगा, क्योंकि कभी इधर तो कभी उधर, यहाँ से आत्मा उधर लेके जाएगा। मैं भी ऐसा था, इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन आत्मा में नहीं, इधर गाड़ी में भागता था। ये गांव में, ये गांव 50-60 किलोमीटर गाड़ी से भागो, इधर से भागो, अरे आत्मा को बचाना, इधर बचाना, ये गांव में जाना, ये जेजुरी जाना, वो पंडरपुर, बहुत भागता था मेरी ताकत से भागता। फिर मुझे
एक बीमारी आई और फिर मेरे दोस्त आए पास्टर जी, अच्छे हो गए पास्टर जी, बर झालं चांगलं झालं तुम्हाला, नाही तुमची गाडी पळत होती पायाला रिंगच लावली उसकी बात मैंने बोला अभी मैं ज्यादा भागूंगा नहीं, मेरी मेरी ताकत से लोगों को नहीं लाऊंगा, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से लोग आए जाएंगे। हालेलुया। ओ एक परमेश्वर के सेवक बोलते हैं कि हालेलुया, पत्रस ने एक संदेश दिया और 3,000 लोगों का उद्धार हो गया। हम 3,000 संदेश देते हैं, एक आत्मा का भी उद्धार नहीं होता। 3,000 संदेश कुछ काम के नहीं, आपके ज्ञान के द्वारा, आपके बुद्धि के द्वारा जो आते हैं, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा एक संदेश आता है वो लोगों के लाइफ को बदल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैं बहुत बुक पढ़ता, ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, फिर मुझे पता चला कि बुक से कुछ नहीं होता है, पवित्र आत्मा जब हमें संदेश डाउनलोड करता है, हालेलुया, वो जब बोलते हैं तो लोगों के दिल में कार्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हालेलुया। उसको 3 साल और कैसा रहेगा, एक टाइम में इधर, एक टाइम में उधर आत्मा लेके जाता था, अभी आत्मा बोला इधर ही बैठने का, बाबा 3 साल जाना नहीं। वो रुका, एक टाइम आया, परमेश्वर ने बोला चल अभी हालेलुया उस राजा के सामने खड़ा हो जा। प्रेज द लॉर्ड। ओ व्हाट अ वंडरफुल। ओ कर्मेल के पर्वत पर अभी तुझे जाना है, बहुत बड़ा विक्ट्री मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, तू यहाँ पर विश्वासु रहा, हालेलुया, मैं तेरे ओ सारे लोगों के सामने उसको मैं फेमस करने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य किया उसके द्वारा, हालेलुया। ओ सारे इज़राइल के सामने, ओ सारे 450 लोगों के सामने, उसके साथ कोई नहीं खड़ा था, एक अकेला। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं था, लेकिन कोई फियर नहीं थी उसके साथ। इमेजिन कीजिए कि 450 लोग और सब अर्धनग्न अवस्था में, भाला बर्छी से खुद को काटा हुआ और एकदम डेमोनाइज के जैसा, भूतों के तरह जैसा, वो नाच रहे, डांस कर रहे, इसको कुछ नहीं, आराम से सो रहे, मजाक भी कर रहे हो। अरे और जोर से चिल्लाओ, तुम्हारा परमेश्वर सो गया रहेगा, उठा उसको और जोर से बोलना है, चिल्लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए वो सब जोक करते हैं। अब उन्हें पास्टर जी क्यों आप जोक करते हो, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए वो ऐसे जोक करते रहे। अरे बोला, अरे सो गया तुम्हारा परमेश्वर, आग नहीं आ रही। हालेलुया। लेकिन जब वो खड़ा हो गया, हालेलुया, उसने प्रार्थना की, स्वर्ग से आग नीचे आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ फेथफुल, व्हाट अ मार्वेलस परमेश्वर। ओ सारे इज़राइल के मनों को चेंज हो गया, सारे लोगों के, ओ जो अन्य देवताओं को नमन करते थे, पूजा करते थे, आराधना करते थे, उनके सारे मन को चेंज कर दिया एलिया। Oh, what a wonderful, what a marvelous, oh, परमेश्वर आपके द्वारा भी करेगा। जब आप रिफाइनरी से जा रहे हो, समझो बहुत बड़ा, oh, आपके लिए आगे रिवॉर्ड परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। लेकिन उसको ऐसे रिफाइनरी बोलते नहीं, प्रभु मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसे आग में डालता है परमेश्वर, सोना डालता है, तब तपने के लिए डालते हैं कि मेल्ट हो जाए, फिर उसे अच्छा आकार दो, आकार एक वस्तु बनाई जाए, चीज बनाई जाए। सोना वहां पर ही बैठे, सोता नहीं आज, क्योंकि उसको वाला ये सोना है बाबा, एक एक ग्राम का कीमत रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर भी कभी सोता नहीं, हमें होता है प्रभु अभी मैं मर गया, अभी सो गए लगते हैं परमेश्वर, मास्टर जी अभी मर जाएंगे, और यीशु सो गए लगता है, अभी मर जाएंगे, अभी पानी आ रहा है, नहीं अब डूबने वाली है, पास प्रभु हमारे सो नहीं गया वो, आपके द्वारा तो पूरे राष्ट्र को हिलाने वाला है वो। चलो आप डूबोगे नहीं है, तुम्हारे द्वारा तो पूरा इज़राइल, पूरे अलग दुनिया को हिलाने वाला हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो टेस्टिंग हो रही है, बोलो टेस्टिंग हो रही है।
टेस्टिंग, बोलो टेस्टिंग, टेस्टिंग, पिघलाता है वो, लेकिन पिघलने के बाद हालेलुया वो पावरफुल आपके लिए वो खड़ा करता है, वो हालेलुया फेमस करता है वो, हालेलुया आपको वो महान रीति से परमेश्वर यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। ओ हालेलुया, लोग याद रखेंगे, अरे क्या है बाबा इसका सीक्रेट क्या है, किधर से आया, माँ का नाम नहीं, बाप का नाम नहीं, हालेलुया माँ बाप का कुछ नहीं, इसे पवित्र आत्मा से चलता है, वही आइडेंटिटी। उसका माँ का नाम नहीं, बाप का नाम नहीं, लोग बोले कहाँ से आया, अरे बाबा ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर आया। Praise the Lord. Oh, अचानक एंट्री हुआ, लेकिन एंट्री में पावरफुल हो। जब हम पवित्र आत्मा से भरते भरे हुए रहते हैं, जहाँ पर भी जाओ अल्लाह लोगों को भा लेते हैं, लोगों को दिल पे छा लेते हैं। अल्लाह मेरे मिसेस को भी कभी प्रेयर में भी, अभी बहुत बड़े सेमिनार में गए थे, उसको प्रेयर का चांस दिया, सब लोग हिल गए। हालेलुया, क्योंकि वो अपना सामर्थ्य पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। मैंने भी सुती आराधना ली, हमारे लोग पास्टर जी बुला रहे, वाह सबको हिला दिया, नॉट बाय आवर स्ट्रेंथ बट बाय द होली स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड, वो ही आपको फेमस करेगा, वो ही आपको हो, हालेलुया बहुत बड़ा, उसका ही साथ में एंजॉय कीजिए। पर मैं उसको एक दूसरी चीज बहुत अच्छी लगती थी कि वो परमेश्वर का प्रॉफिट था, नबी था, परमेश्वर का वचन सुनना और लोगों के पास लेके जाना। हालेलुया, ओह व्हाट अ जॉय, बोलो व्हाट अ जॉय, परमेश्वर का वचन सुनना और लोगों को बताना, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनना और लोगों को बताना, मेरे प्यारे भाइयों ये बहुत बड़ा आनंद है। अब ये नहीं पास्टर जी रथों में बैठना, खाना आपके जैसा, रंग बिरंगी वस्त्र पहनना, ओ बंगले में रहना, आनंद करना, ये करना, घोड़ा गाड़ी में फिरना, ये तो क्या लाइफ है। साधारण वस्त्र थे उसके, साधारण लाइफ, बोलो साधारण लाइफ, साधारण लाइफ, लेकिन उसमें ही आनंद भी था। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं, हालेलुया हमें परमेश्वर के दुनिया की चीजों पर हमें कुछ नहीं लगता, प्रभु अरे ये मुझे नहीं, वो मुझे नहीं, ये गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, ये नहीं, परमेश्वर का वचन मैसेज लेके जाता हूँ वही मेरे लिए काफी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उसके जैसा कोई कार्य नहीं है मेरे प्यारे। इस मैसेज से दुनिया मनों का परिवर्तन हो जाता है, और वही मेरे लिए काफी। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि खाने पीने में देवा से राज्य नहीं, तो पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, हालेलुया सांगण्यामध्ये आहे, पवित्र आत्म्याच्या द्वारे करण्यामध्ये आहे। हालेलुया, ओ व्हाट अ वंडरफुल, हालेलुया। ओ एक वचन मी पढना चाहता हूँ अगर अपने भाई करें, पहले राजा 17:21। तब वह बालक पर तीन बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। देखो उस घर में बच्चा मर गया था, लेकिन वो डर नहीं गया, उसने उसको ऊपरी कोठरी में लेके गए, बोलो ऊपर। जब हमारा जीवन में प्रॉब्लम आ जाते हैं, मुसीबत आते हैं घर में, तब हमें क्या करना है, बोलो उस प्रॉब्लम को ऊपर लेके जाना है। हम बोलते नहीं पास्टर जी, प्रभु मुझे ही ऊपर लेके जाओ। परमेश्वर बोलते हैं प्रॉब्लम ऊपर लाओ बाबा, हम बोलते नहीं प्रभु मुझे ही ऊपर लेके जाओ। प्रभु बोलते हैं अरे तेरे टाइम आने वाला है, हालेलुया तूने बहुत साधारण रोटी खाई, कौवों के झूठा खाया, लेकिन हालेलुया परमेश्वर जब वो भाग गया, हालेलुया परमेश्वर ने बोला अभी एंजल के हाथों से खाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर,
बोलो बहुत अच्छा परमेश्वर। जब हम रूट जाते हैं, हम भाग जाते हैं, हम परमेश्वर ने हमें एक कान के नीचे बजाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर बहुत प्यार से हमें सहलाता है। प्रेज द लॉर्ड, पाठीवर हाथ फिरवतो आणि अजून खायला देतो। लेकिन हम उस जगह पर रहते तो और भूचाल हुई है आज ज्यादा। योना के नहीं, योना भी भाग गया इधर से उधर। परमेश्वर बोलता है रुक, तेरे लिए ऑलरेडी मैं एक प्लान तैयार किया है, एक बोट है मेरे लिए, तेरे लिए। ये बोट से नहीं जाएगा तो ये बोट तेरे लिए तैयार है ऑलरेडी। फिर मच्छी के मुंह से अंदर गए, मच्छी का सब हम खा निकाल कर खाते गंदे, उसने गंदे की मछली के अंदर ही गए। और इतना बड़ा प्रॉब्लम, आप रे इतना प्रेयर किया, लेकिन एलिया को अलग तरीके से प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि एलिया उसके लिए बहुत प्रेशियस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। योना को बर्डन नहीं था, लेकिन ओ पूरे जीवन में प्रभु का बर्डन लेके दौड़ रहा था एलिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इधर से उधर जाओ, गरीब में जाओ, सरपत में जाओ, ये जाओ, इसको अभिषेक करो, एलिया को चुनो। हालेलुया, सब कुछ भाग दौड़ उसकी थी। हालेलुया, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, ओ हालेलुया लग्जरी लाइफ नहीं था, लेकिन सबसे मूल्यवान होली स्पिरिट उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होता है, लग्जरी लाइफ नहीं रहेगा, फिर भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। हालेलुया, जब पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग है, वो नहीं बोलेंगे प्रभु अभी इधर उधर काय को भागा रहे रे बाबा, पहले मुझे गाड़ी दे, बंगला दे, गाड़ी पे भागता हूँ, उधर चाहे सारपत में जाओ, पूरी दुनिया में जाता हूँ पास्टर जी, पहले गाड़ी तो मिलने दो। हालेलुया, लेकिन नहीं, ओ हालेलुया, वो रुका नहीं, परमेश्वर की कार्य करता रहा। बोला नहीं प्रभु अभी नहीं, मैं नहीं करूंगा, एक बार उसने किया, लेकिन परमेश्वर के लव ने वापस उसको उठाया। प्रेज द लॉर्ड, देर वो रुका ही नहीं। हालेलुया, बहुत बड़ा अच्छा रूट ही फिर परमेश्वर ने उसके लिए तैयार हो गया, और बहुत बड़ा कार्य। वो बच्चा मर गया था, लेकिन उसने क्या किया, उस पर लेट गया, वो बोलो लेट गया। अब बोलेंगे प्रभु ये कौन सा ये कौन सा बाबा कार्य है, मर गया और भी मर जाएगा। होली स्पिरिट अलग अलग दिखाता, प्रकट करता है, बोलो अलग अलग प्रकट करता है। कभी कभी यीशु ने टच किया आंखों को, चंगा हो जाए चंगा, कभी थूका, चिकट बनाया लगाया उसको, और जा सिलो में धोकर आ जा चंगा हो। प्रेज द लॉर्ड, बोलो अलग अलग। होली स्पिरिट अलग अलग बताता है, होली स्पिरिट बोला उस पर लेट जा, क्योंकि तेरा जो शरीर है वो दुनिया में नहीं रहता है, मेरी प्रेजेंस में रहता है, और वो शरीर पावरफुल अनवांटेड हुआ है, और तेरे शरीर जब उस पर हालेलुया लेट जाएगा, तेरे शरीर की पावर से वो जिंदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर क्या बोलेंगे, क्या वो कह सकते हैं कि प्रभु मुझे वस्त्र नहीं अच्छे अच्छे अहाब के जैसा, ऊंटाचे वस्त्र घालायचे ना, ऊंटाच्या कातड्याचे, ऊंटाच्या कातड्याचे, ऊंट के चमड़ी के वस्त्र, प्रभु अरे मुझे वस्त्र नहीं। अरे उसको मालूम था वस्त्र नहीं क्या, वो आहाब लेट गया फिर भी कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरा हालेलुया मेरे बॉडी पूरा अनॉइंटेड है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो बोलेगा प्रभु अरे मुझे गाड़ी नहीं, अरे गाड़ी मेरी कुछ भी नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर का संदेश लेके जाता हूँ। ओ व्हाट अ वंडरफुल, नॉट मिनिस्टर का नहीं, प्राइम मिनिस्टर का नहीं, मिनिस्टर को भी बोलता है वो, मैं उसके हुजूरों में बैठता हूँ। इसको लोग पकड़ते बोले मैं इसका ये भाई के साथ रहता हूँ, आमदार के साथ, खासदार के साथ, उसका असिस्टेंट हूँ। वो बोलते है सबसे बड़े हालेलुया पावरफुल हालेलुया उसके सामने में खड़ा रहता। हालेलुया, एक बार टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। पॉल अंगीचो प्रेयर कर रहे थे, और प्रधान का कोरिया से उनको फोन आया,
उसकी बीवी ने उठाया, बीवी ने बताया फलाना फलाना ये फोन आया है, उसने उठाया नहीं, उसने बोला नहीं। फिर प्रेयर कर रहा था वो, प्रेयर होने के बाद उसने बोला क्या हुआ, फिर उसके बाद उसने उससे बात की तो बोली तुझे मालूम है मैं कौन बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट, कोरिया का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, मुझे अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया। बोला आप कोरिया के प्रेसिडेंट हो लेकिन मैं पूरे दुनिया के प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ। हालेलुया, हमारे परमेश्वर को आप कम मत लेखो मेरे पैर। जय देवाची तुम्ही सेवा करता तो साधारण देव नहीं, जय देवाची तुम्ही प्रार्थना करता तो अपन साधारण परमेश्वर नहीं। हालेलुया, आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य वो करेगा। क्या एलिया कह सकता है, ओ प्रभु मुझे ये नहीं वो नहीं, ओ दुनिया की नहीं, मुझे अच्छी रोटी नहीं मिली परमेश्वर मुझे खाने। और एलिया ने तो स्वर्ग दूत से हाथों से रोटी परमेश्वर ने खिलाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें एक कारण भी नहीं कि परमेश्वर से हम रुक जाए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, नहीं। हालेलुया, परमेश्वर बहुत अच्छा है। हालेलुया, और परमेश्वर ने भी एलिया को छोड़ा नहीं। जब अंतिम समय आया, हालेलुया, अग्नि के रथ परमेश्वर ने उसके लिए। हालेलुया, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हो, परमेश्वर को खुश करते हो, हालेलुया, आप जाने से पहले परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड हाई लेवल पर कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग देख रहे थे, अरे बाप रे, और सब लोगों को पता चल गया था, चेलों को पता चल गया था मालूम नहीं कैसे, लेकिन एलिया को परमेश्वर लेके जाने वाला था। हालेलुया, हमें भी परमेश्वर लेके जाने वाला है। हालेलुया, बोलो मुझे लेके जाने वाला है। कहां पर? अमेरिका में नहीं, स्वर्ग में। बोले स्वर्ग में। किसने कहा है? बोलो यीशु ने कहा। और आपको भी लेके जाएगा और सब लोग देखेंगे जब वो आएगा। हालेलुया, हमें भी परमेश्वर लेके जाने वाला है। सब लोग देख रहे थे, अरे बाप रे, इसको कभी साधारण रथ नहीं मिले और घोड़ा नहीं मिला, और यहाँ पर तो अग्नि के रथ भेज रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया, ओ मरने से पहले परमेश्वर आपका प्रेस्टीज 101% बढ़ाएगा। हालेलुया, जब आप परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हो, मरने से पहले आप साधारण नहीं मरोगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको बहुत बहुत उन्नति पर लेके जाएगा। बहुत बहुत हालेलुया अमीरी परमेश्वर आपको दिखाएगा। बहुत बहुत अच्छे अच्छे चीज आपको दिखाएगा। तब तक परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया, तब तक परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। हालेलुया, जब तक आपको उठाएगा नहीं। आइए हम खड़े रहकर प्रार्थना। मेरे प्यारे भाइयों, उस सारपत नगर की स्त्री के हाथों में ऑयल था, तेल था, आटा था और लकड़ी भी थी। मेरे प्यारे भाइयों, में परमेश्वर कहता है आपके घर में तेल यानी पवित्र आत्मा है, रोटी जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है, और दो लकड़ी यानी क्रूस आपके घर में है। फिर भी कभी कभी हम बोलते हैं प्रभु मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी प्रभु। वो विश्वासु थी लेकिन नई विश्वासु थी, नया जल पाए हुई विश्वासु। उसे मालूम नहीं था कि मेरे घर में क्या है, उसे मालूम नहीं था कि परमेश्वर कौन है, लेकिन वो परमेश्वर को पहचानती नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास उसने किया था। लेकिन जब उसने हालेलुया उसके घर में एक एलिया नामक संदेशता आया, नबी आया, उसने हाले उसकी आंखों को खोल दी। ओ हालेलुया, तेरे पास क्या कुछ कमी है? तेरे पास तेल है, तेरे पास यीशु है, तेरे पास क्रूस है। हालेलुया, और क्या तुझे चाहिए? ओ रबा शकंदा रबा रबा, वो ही तेरे लिए काफी है। सिर्फ तेरी आंखें खुली होनी चाहिए। ओ
उसने उसकी आंखों को खोल दिया और परमेश्वर ने उसको बढ़ोतरी दी। वो मरी नहीं, उस अकाल में भी वो जिंदा हो रही गई। मेरे प्यारे भाइयों, आप मर नहीं जाओगे, हालेलुया, क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है, क्राइस्ट है, क्रूस है आपके पास। हालेलुया रबा शकंदा रबा रबा रबा, सिर्फ आपकी आंखें को खोलना है। ओ रबा शकंदा रबा 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 रबा, ओ यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं, ओ जो सब कुछ है उनके हाथों में, घरों में, फिर भी वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों, समझो, इसलिए पौल कहता है उनके हृदय की आंखों को खोल दो परमेश्वर, त्यांच्या अंतर चक्षु उघडे व्हावे बापा, कि त्यांनी जाणावं ख्राइस्टला। ओ रबा शकंदा रबा, कि ख्राइस्ट हमारे बीच में है। ओ रबा शकंदा रबा 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 रबा, शांदा रबा 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 रबा, शांदा रबा 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 रबा, और या रबा शांदा रबा रबा। और जिनके घर में पवित्र आत्मा है, जिनके घरों में यीशु मसीह है, जिनके घर में क्रूस है, हालेलुया, वो अकाल में मर नहीं जाएगी मेरे प्यारे। ओ रखा लबा शकंदा रबा 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 रबा, और या रबा शकंदा रबा रबा रबा, और या रबा शकर रबा 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 रबा, शकंदा रबा 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 रबा। और सब मरेंगे, लेकिन जिनके घर में ओ रबा शकंदा रबा रबा, ओ पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह है, वो कभी मरेंगे नहीं। ओ रखा लबा शकंदा रबा रबा, और या रबा शकंदा रबा 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 या रबा। रोया रहेगा, प्रभु
मैंने तो तेरे लिए इतना नहीं किया कि तू मुझे इतना सम्मान दे, मैंने इतना नहीं भागा प्रभु, ओ इतना नहीं तोड़ा प्रभु, फिर भी व्हाट अ रिस्पेक्ट प्रभु, व्हाट अ रिस्पेक्ट, व्हाट अ ऑनर, ओ रिया रबा शखंदा रबा रबा, ओ हालेलुया, जो आपने प्रभु के लिए छोड़ा है, जो परमेश्वर के लिए त्याग किया है, उससे बहुत बड़ा ऑनर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, उस ऑनर को देखेंगे और आप बोलेंगे प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं इसके योग्य नहीं हूँ, ये किसी लायक नहीं और यार हमारा, ओ व्हाट, मेरी क्या पात्रता है कि यीशु को दर्शन देकर मैं प्रभु उसको आपकी बातें बताऊं, ओ मूसा और एलिय्याह उस चट्टान पर, व्हाट अ ऑनर, परमेश्वर बोला मूसा और एलिय्याह तुम दोनों जाना है मेरे बेटों को मिलने के लिए, ओ व्हाट अ ग्रेट रिस्पेक्ट। मेरे प्यारे भाइयों, इस दुनिया में जो आप तकलीफ दुख और तंगी ओ छल ओ व्हाट अ पेनिंग वेदना और ये खतर ओ सताओ, जो कुछ यीशु के लिए कर रहे हो, हालेलुया, वो वेस्टेज नहीं है, दैट इज नॉट वेस्टेज, ओ रखा लबा शखंदा रबा रबा रबा, ओ या ला ला रबा शखंदा रबा, इट इज नॉट वेस्टेज, ओ ये लिया रोया रहेगा प्रभु भीतर पड़ा लो तो बाबा, ओ तुझे प्लान भी टाकले प्रभु रे, ओ तुझे प्लान में अनेक बार टाकले ना, ओ बाबा, ओ या रबा शखंदा रबा 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 रिया रबा 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 रबा, ओ तुमच्यामध्ये अनेक असे लोक आहे, तुम्ही देवाचे प्लॅन अनेक वेळा टाकून दिलेले, ओर या रबा शखंदा रबा, देवाच्या योजना समजून देखील न समजण्यासारखे फेकून दिले, ओर या रबा लबा शखंदा रबा, आणि तुम्ही देखील अनेक वेळा झाडाखाली रसून बसले, और यार रबा रबा उस गुफा में चले गए, और यार रबा शखंदा रबा रबा, ओ त्या गुफा मध्ये त्या गुहा मध्ये तो गेला, ओ दे म्हणता एलिया तुझं काय काम या ठिकाणी, और यार रबा रबा व्हाय आर यू हियर, और यार रबा शखंदा वेअर इज माय प्लॅन, ओ तू माझे प्लॅन का टाकून दिलेस, यार रबा बाबा, देवा सा स्थानिक लोकांना स्पर्श करते राईट ना, और यार रबा शखंदा रबा रबा, और यार रबा शखंदा, तो म्हणत आहे तू माझे प्लॅन का टाकून दिले, तुला ऑलरेडी माहिती की मी काय प्लॅन केले होते तुझ्यासाठी, ओ रबा शखंदा रबा, तुझं डायरेक्शन का चेंज झालं, तुझी दिशा का बदलली, ओ यार रबा शखंदा, ओ लोक तुम्हून थकून बसलेले आहेत, ज्यांना उठता येत नाहीये, जे घायाळ झालेले आहेत, मला मारून टा, संपलंय मला मरण पाहिजे, तुम्हाला देवाचा आत्मा तुमची काळजी घेत आहे, देवदूत तुमची सेवा करत आहे, पवित्र आत्मा तुम्हाला सांत्वन देत आहे, ओ माहिती प्रसस्त माहिती प्रसस्त, ओ दमलेल्या थकलेल्या ना तो बळ देतो, उंच भरारी देतो, मोकळ्या वाट्याच्या उपस्थितीमध्ये परमेश्वर तुम्हाला म्हणत आहे तू का काळजी करत आहे, का काळजी करत आहे, का तुला वाटते मी बरा होणार नाही, मी मरेल असं का वाटते तुला,
देवाचं स्वतः पवित्र आत्मा तुमचं प्रकरण हातामध्ये येत आहे. वाकलेल्यांना उभा करणारा तो परमेश्वर आहे. अल्लाहोर स्थिर करणारा तो परमेश्वर आहे. नवी ताकद देऊन जो भाकर त्याने खाल्ली एलियाने, त्याच्यानंतर तो 40 दिवस चालला. तो रात्रंदिवस चालत होता, तो रात्रंदिवस चालत होता. देवदूत त्याला ताकद देत होते. देवदूतांनी जे अन्न दिलं त्याच्यावर ते तो झोपला. ओ बाबा बाबा, बल नया देत आहे, तेल नया उंडेलता, फलदायक पेड समान तुझे बढणे देत आहे. सामर्थ्य फिरत आहे तुमच्यामध्ये. Yeah.
उपस्थिती तुम्हाला आरोग्य देत आहे, तो स्वतः तुमची सेवा करत आहे। स्वीकारा, महान विसरून स्वतःला विसरून ते आरोग्य स्वीकारा। नवीन अवयव ह्या वेळेस मोकळे होत आहे, मुळव्याचे सर्व प्रकारचे दुष्ट आत्मे मेनाप्रमाणे तुमची ती जागा सोडून चाललेले आहेत, वितळलेले आहेत, वितळलेले आहेत। हरेक ट्यूमर, हरेक अल्सर प्रॉब्लेम, ऍसिडिटी, हरेक लंग्स प्रॉब्लेम, हरेक इंटेस्टाइन प्रॉब्लेम, ब्रेन प्रॉब्लेम, हरेक माइग्रेन प्रॉब्लेम, थायरॉइड प्रॉब्लेम मेनाप्रमाणे वितळत आहे। हरेक पर्वत त्याच्या उपस्थितीमध्ये मेनाप्रमाणे वितळत आहे। स्वीकारा आरोग्य। तुमच्या गाठी निघून चाललेले आहेत, माउथ अल्सर निघून चाललेला आहे, ए शबारा बाबा, स्टमक अल्सर निघून चाललेला आहे, डायजेस्ट संदर्भात सगळे प्रॉब्लेम निघून चाललेले आहे। पवित्र आत्मा आलेला आहे, तो सामर्थ्याने तुम्हाला स्पर्श करत आहे। ओ ग्रेटेस्ट हीलर, ग्रेट हीलर तुमच्या मध्ये कार्य करत आहे। डॉक्टरांचा डॉक्टर, वैद्यांचा वैद्य तुम्हाला आरोग्य देत आहे। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, हीलिंग रिवर फ्लो, हीलिंग रिवर फ्लो। ऑर्गन जे बेंडा प्रमाणे ज्या आतड्याला गाठ आहे, ईशूच्या नावात सोड तुझी जागा। आठ आठ बिना ऑपरेशनचा मोकळा हो, आजवरून येऊ दे। हरेक आजाराला भस्म करणारी पवित्र आत्म्याची आज फायर 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 अरेज राईट नाउ, अरेज राईट नाउ। डोक्यापासून नखापर्यंत प्रत्येक गुप्त अवयवामध्ये सर्व इंटेस्टाइन प्रॉब्लेम रिहंडा राबा, रिफ्रेश रिफ्रेश। न्यू ऑर्गन अरेज राईट नाउ, न्यू ऑर्गन अरेज राईट नाउ। टच टच फ्लो फ्लो फ्लो, शरला हंदा राबा, शरला हंदा राबा। जे आजार बरे होत
नाहीयेत, जे डॉक्टरांनी सांगितले खूप वर्ष लागतील, आता ह्या क्षणी ते आजार बरे होत आहेत, ह्या क्षणी ते आजार बरे होत आहेत। डॉक्टरचे रिपोर्ट मी कॅन्सल करते, इंस्टंट मिरॅकल, जागेवर चमत्कार स्वीकारा, जे आंधळे आहेत त्यांना दृष्टी स्वीकारा, तुमच्या डोळ्याला स्पर्श करा, परमेश्वर तुम्हाला नवीन 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 खोरी दृष्टी देत आहे, अंधळ्यांना येशूच्या नावात तुम्हाला दिसत आहे, जे लंगडे आहेत आरोग्य स्वीकारा, स्त्रियांना गर्भाशयाचे प्रॉब्लेम निघून चाललेले आहेत तुमचे, येशूच्या नावामध्ये रिहंडा राबा बाबा, ज्या स्त्रियांना प्रेग्नेन्सी राहत नाहीये हा महिना, जे आता आलेली जे तुमचे मंथली जी पारी आहे यानंतर येणार नाही, प्रेग्नंट तुम्ही डिक्लेअर करते मी येशूच्या नावात, प्रेग्नन्सी परमेश्वराचा आत्मा तुमच्यावर येत आहे, परात्पराची छाया तुमच्यावर येत आहे, हरेक गर्भाशयाचा प्रॉब्लेम निघून आउट 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 आउट, सर्व डोके दुखी, सर्व डोके दुखी, मायग्रेन प्रॉब्लेम आउट आउट, फ्री फ्री फ्री, पूर्णपणे मोकळी हो, पूर्णपणे मोकळी हो, जी सर्व मान आहे, हिलिंग कम, हिलिंग रिव्हर फ्लो स्वीकारा, बोला मी स्वीकारत आहे। ज्या वेळेस तुम्ही स्वीकारता, ज्या वेळेस तुम्ही ऍक्शन करता, चेक करा तुमच्या अवयवामध्ये, शांत बसू नका, प्रार्थना फक्त ऐकू नका, स्वीकारा आणि चेक करा तुमचा आजार गेलेला आहे, जे तुम्हाला याच्या आधी करता येत नव्हतं, तुम्हाला हालता येत नव्हतं, तर ते तुम्ही करा, परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देत आहे, तुमचे ऍक्शन बघून पवित्र आत्मा कार्य करतो, फायर फायर फायर, ओशराला हंदार राबा, एरखियांदार राबा, अरेक दुःख निघून जाऊ दे, अरेक त्रास निघून जाऊ दे, होली स्पिरिट, अरेक दुष्ट आत्म्याची सत्ता सोड माझ्या लोकांना, सोड माझ्या लोकांना, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, स्वीकारा स्वीकारा तुम्ही, रिहंदा रा बाबा, एक देवाची जाण उपस्थिती या ठिकाणी आलेली आहे, सेवकांना तो रिफ्रेश करत आहे, रिफ्रेशिंग अनॉइंटिंग, देव तुमच्याशी 100% नाही, लाखो करोडो टक्के आज बोललेला आहे, तुमचं प्रमोशन कुणी अडवणार नाहीये, ए बर्निंग टाइम, मेल्टिंग टाइम, ओ रिहंदा राबा, जितकं तुम्ही बर्न होताय त्याच्या अनेक पटीने तुम्ही शाइनिंग होणार, तुम्ही चमकणार, एक उत्तम पात्र तो तुम्हाला घडवत आहे, फक्त त्याला धन्यवाद द्या, धन्यवाद द्या, धन्यवाद द्या, तुमची सिच्युएशन चेंज होत आहे, बोला माझी सिच्युएशन चेंज होत आहे, जे आजारी आहे त्याने बोला मी कॅन्सल करतो, उभा राहा आणि बोला मी कॅन्सल करतो तुझे सर्व इन्व्हिटेशन, जे डॉक्टरांद्वारे तुम्हाला दिले, बोला जे डॉक्टरांद्वारे तुम्हाला दिले, तू बरा होणार नाही, तू बरी होणार नाहीयेस, तुला खूप दिवस गोळ्या खाव्या लागतील, येशूच्या नावामध्ये, येशूच्या रक्तामध्ये मी कॅन्सल करत आहे, कॅन्सल करत आहे, मी वाढत आहे, त्याला बोला जा माझ्या जीवनातून, निघ माझ्या शरीरातून, तुमच्या आजाराचं नाव घ्या आणि बोला निघ, नाव घ्या नाव घ्या, ओ मायग्रेन प्रॉब्लेम, डोकेदुखी प्रॉब्लेम, सर्व कॅन्सर प्रॉब्लेम, माउथ कॅन्सर, माउथ कॅन्सर राबा, शांदा राबा, चेस्ट पेन राबा बाबा बाबा, छातीचा आजार, छातीचं दुखणं, ज्या अनेकांना चमका निघतात, मला पवित्र आत्मा दाखवत आहे छातीमध्ये कुणाला चमका निघत आहेत, त्या वेदना कधी कधी तुम्हाला असह्य होतात आणि तुम्हाला वाटतं की आता अटॅक येऊन मी मरून जाईल, ओ छातीमधल्या चमका, शांदारा बाबा बाबा, प्रभू तुम्हाला स्पर्श करत आहे, ज्या लोकांना छातीमध्ये चमका निघतात त्यांनी हात वरती करा, कारण देवाने मला दाखवलेलं आहे छातीमध्ये चमकत आहे, ओ रिहंदारा, ओ एक हात छातीवर आणि एक हात उंच करा, जवळ आलेला आहे, तो तुम्हाला स्पर्श करत आहे,
ज्या वेळेस मी म्हणेल आरोग्य स्वीकारा, त्यावेळेस तुम्ही म्हणा की मी स्वीकारत आहे. आणि ज्या प्रकारे सामर्थ्य बीज आल्यानंतर ती कितीही जमिनीमध्ये खोल जाते आणि सर्व पाणी ती पिऊन टाकते, त्या प्रकारे पवित्र आत्म्याची वीज तुमच्यामध्ये चमकत आहे आणि तुमचा आजार ती खाऊन टाकत आहे. ओ शाबा बाबा 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 बाबा. ओ हरेक चेस्ट प्रॉब्लेम, हरेक छातीत चमकणं, हरेक छातीचं दुखणं, हरेक आजार, हरेक स्टमक प्रॉब्लेम जे तुमच्या पोटामध्ये दुखत आहे, रिखियांदा राहा, श्रीलेहंदा राबा, शांदा राबा बाबा. आउट आउट आउट. आय रिलीज हिलिंग. स्वीकार आरोग्य. जोरात बोला, मी स्वीकारत आहे, मी स्वीकारत आहे. आणि देवाला धन्यवाद द्या, आरोग्य मला दिलेलं आहे. एक वीज तुमच्यामध्ये येत आहे. वीज करंट होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट. रिसीव करा. अनेक लोकांवरती उपस्थिती, हे आरोग्याचं सामर्थ्य तुमच्या प्रत्येकावर मी पाहत आहे. एकही पवित्र आत्मा सोडणार नाहीये, एकालाही सोडणार नाहीये. मी बसंदा राबा. रिसीव. आय रिलीज राईट नाउ, आय रिलीज राईट नाउ. हिलिंग पॉवर, हिलिंग पॉवर, हिलिंग डिलिव्हरन्स, हिलिंग डिलिव्हरन्स. रिहंदा राबा. आणि दुष्ट आत्म्यांनो सोडा, माझ्या लोकांना मला काहीच सत्कार नाहीये. तुझी उपस्थिती घ्या, स्वीकारा. तुझ्या उपस्थितीसाठी धन्यवाद, तुझ्या आरोग्यासाठी धन्यवाद. रक्ताचे आजार तुमचे बरे होत आहेत. स्किन डिसीज, स्किन प्रॉब्लेम. पुरुषांना गुप्त जागी काही डाग आहेत, ते सांगू शकत नाहीयेत. स्किन प्रॉब्लेम. पुरुषांना आजार आहेत. काही डॉक्टरांनी सांगितलंय की जीन्स घातल्यामुळे हे तुला प्रॉब्लेम आहे. उष्णतेचा त्रास. रिहंदा रा बाबा. सेंदिखी हे सहारा लहान दिबो या रला. हा हिलिंग कम, हिलिंग रिवर फ्लो राईट ना, हिलिंग रिवर फ्लो राईट ना. रिहंदा राबा, रिहंदा राबा. स्वीकारा, स्वीकारा. परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देत आहे, आरोग्य देत आहे. थँक्यू होली स्पिरिट, थँक्यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट. ओ मार्वलस, अनलिमिटेड होली गोस्ट. ज्यांना पवित्र आत्माला म्हणत आहात की मला घे पवित्र आत्मा, ओ आता वेळ आलेली आहे की त्याच्या हातामध्ये पडण्याचं. शाबा बाबा. यराला हा, मी तुझ्याशिवाय काही करू शकत नाहीये. तुझ्या योजनाच माझ्या जीवनामध्ये सिद्ध होऊ दे असं बोलणाऱ्या लोकांनी हात उंच करा. हे मामा खादी हात जरा लिहे. हे तुमच्या बलाने नाही, तुमच्या ताकदीने नाही, त्याच्या सामर्थ्याने होईल. या बाबा बाबा बाबा. हे हात तू पहा. हे सगळे म्हणत आहे आमची नाही, तुझी योजना पूर्ण होऊ दे. त्यांच्या योजनात ते टाकून दिलेले आहे. मुलाचं टेन्शन, फॅमिलीचं टेन्शन, पतीचं टेन्शन, नातेवाईकांचं टेन्शन, जसं नाव घेत आहे तसं टाकायचं. सासरच्या लोकांचं टेन्शन, माहेरच्या लोकांचं टेन्शन, मुलाचं टेन्शन, विश्वासणाऱ्यांचं टेन्शन, चर्च मेंबरचं टेन्शन, लीडर लोकांचं टेन्शन, सगळं टाका, टाका त्याच्यामध्ये टाका. ऍक्शन करा. जो ऍक्शन करेल त्याला परमेश्वर तू बघेल आणि तुम्हाला मोकळं करायचंय. हालेलुया. तुमचे सर्व आजार त्याच्यामध्ये टाका. किती लोक कर्ज बाजारी आहे, कर्ज तुमच्यावरती आहे, तुमचं सर्व कर्ज त्याच्यात टाका. सगळे सगळे आजार टाका. मुलाचं टेन्शन, मुलगा दारू पित आहे, मुलगा सिगारेट ओढत आहे, मुलगा शिव्या देत आहे, पती शिव्या देत आहे, सगळं टाका. स्त्रियांनो, पुरुषांना, मुलांना जे बाहेरचे प्रॉब्लेम आहेत, व्यसन आहेत, व्यसन त्याच्यामध्ये टाका. ऍक्शन करा. मी टाकत आहे. आणि आता प्रभू तुझं हलकं व सोयीचं जू त्याच्यावर तू देत आहेस म्हणून धन्यवाद. स्वीकारा परमेश्वराचं ओज, प्रार्थनेचं ओज स्वीकारा, मध्यस्थीचं ओज स्वीकारा. ओ स्तुती, धन्यवाद, अन्य भाषा
रीमा मामा सांडाराबा बाइबल वाचण्यासाठी वेळच वेळ आहे, प्रार्थना करण्यासाठी वेळच वेळ आहे, आरोग्य क्षमा खाला हंडरे हेराले राबा रिफ्रेश झाला, त्याने भाकर खाल्ली, देवाने त्याला नवीन प्लॅन दिले, ते अद्भुत प्लॅन होते पुढच्या जनरेशन साठी, नवीन जनरेशन साठी परमेश्वर तुमच्या हातात मोठे मोठे प्लॅन देत आहे, ऍक्शन करा, स्वीकारा ते, मी ते ओझ घेत आहे, मी ते बर्डन घेत आहे, ए देवाचं ओझ हलकं व सोयीचं आहे, आनंद आहे त्याच्यामध्ये, त्याच्या ज्या वेळेस तुम्ही ऐकलं की एलिया आला एकही रथ नव्हता, पण देवाने त्याचा इतका रिस्पेक्ट केला, या जगातले जे लोखंडाचे रथ लाकडाचे रथ नाहीये, माझ्या एलियासाठी अखनीचे स्वर्गातील रथ आले, आतापर्यंत हिस्ट्रीमध्ये कुणासाठी आले नाही, फक्त एलियासाठी, फक्त एलियासाठी अखनीचे रथ, एलिया प्रिया जरी तुम्ही आहात एलियाच्या भविष्यवाणीच्या आत्म्याने चालत आहात, तुमच्यासाठी अखनीचे रथ येणार, तुमचा सन्मान करणार, तुमची सेवा करणार, राजे लोक तुमच्या समोर पुढे पडणार, खोटे भविष्यवादी चिरले जाणार, हे शिक्षा नावामध्ये इस्बेल डिस्ट्रॉय होणार, हे शिक्षा नावामध्ये इस्बेल स्पिरिट, इस्बेल स्पिरिट आज 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 पवित्रात्मा सिंहापनाप्रमाणे तुमच्यातून रोर करेल, ओ लाईक अ लायन येहरा लहंडा राबा, विजयाची घोषणा, जोरात बोला हालेलुया, निसी आपला बॅनर आहे, विजयाचा बॅनर, तुमचे प्रॉब्लेम निसंपलेले आहे, तुमचे आजार निघून गेलेले आहे, आनंद करा, आनंद करा, आनंद करा, थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड.